स्वागत है, मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। असुरा मध्य विद्यालय में हो जनजातीय जीवन दर्शन पर आधारित जिले के 11वें संग्रहालय का विधायक दीपक बिरवा और RDDE नारायण प्रसाद विश्वास ने दीप प्रज्वलित कर संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपस्थित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं समेत अन्य अतिथियों ने संग्रहालय का अवलोकन किया। संग्रहालय के लोकार्पण होने से बच्चे आदिवासी कला संस्कृति से वाकिफ होंगे। इस मौके पर विधायक दीपक बिरवा ने विधायक निधि से एक संग्रहालय बनाने की घोषणा की, जहां बच्चे अपनी कला और संस्कृति जानेंगे और इसे सुरक्षित रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि देश में आदिवासियों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आदिवासियों के लिए आरक्षण और विभिन्न नियम कानून बने हैं, बावजूद उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका एक ही कारण है, अशिक्षा। उन्होंने सभी शिक्षकों से बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। RDDE ने कहा कि मातृभाषा और मातृभूमि का विशेष महत्व होता है। मनुष्य का इन दोनों से विशेष लगाव रहता है, इसलिए शिक्षा ग्रहण करने में मातृभाषा को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में खास जगह दी गई है। जनजातीय बच्चों के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षण का महत्व बढ़ गया है। इसमें संग्रहालय की वस्तुओं का विशेष योगदान होगा। हो समाज महासभा के अध्यक्ष कृष्ण चंद्र बोदरा ने कहा कि संग्रहालय की वस्तुएं बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मील का पत्थर साबित होंगी। कार्यक्रम के दौरान बीते माह सेवानिवृत्त हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता रही मध्य विद्यालय असुरा की मिनी मशुआ को RDDE ने सम्मानित किया। पुलहातो कुड़ुक सामुदायिक भवन में चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उराव का अभिनंदन किया गया। उराव समाज क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष संचू तिर्की, सचिव अनिल लकड़ा, कुल्हान कमेटी के मुख्य सलाहकार सहदेव किसपोट्टा, लालू कुजूर और बाबूलाल बरहा ने विधायक को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। उराव समाज के सातों अखाड़ा के मुखिया ने भी विधायक का अभिनंदन किया। विधायक सुखराम उराव ने समाज के लोगों का आभार जताया और कहा कि सबके प्रयास से ही उन्हें जीत हासिल हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के अवसर पर राजकीयकृत मध्य विद्यालय सिंदरी में 11 फरवरी को बाल विज्ञान मेला का आयोजन होगा। इस विज्ञान मेले में विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनी, खेल, स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन होंगे। शहर के मोचीसाई मोहल्ले में रविदास समाज की ओर से 9 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती मनाई जाएगी। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद गीता कोड़ा और विशिष्ट अतिथि मधु कोड़ा होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था नई उड़ान शुरू की गई है। इस कोचिंग वर्ग का संचालन टाटा कॉलेज की गैलरी 1 एवं 2 और महिला कॉलेज के रूम नंबर 13 में संचालित किया जा रहा है। निःशुल्क कोचिंग कक्षा का संचालन प्रत्येक माह के सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को किया जाएगा। कोचिंग कक्षा प्रारंभ करने की घोषणा के बाद अब तक 822 छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से 7 फरवरी से प्रारंभ हुए इस निशुल्क कोचिंग कक्षा में प्रथम दिन उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन के द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यतः 4 विषय गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों का चयन किया गया है। इस कोचिंग व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित अलग अलग किताबों की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी मदद से छात्र अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए इस कोचिंग कक्षा से
जिले के छात्र छात्राओं को उच्च स्तर के प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने में काफी मदद मिलेगी। व्यवहार न्यायालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि ने की। आज की लोक अदालत के लिए 5 बेंच का गठन किया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत में आज कुल 533 मामलों का निपटारा किया गया और 1,63,12,537 रुपए का सुलह समझौता किया गया। इसके अलावा पीड़ित क्षतिपूर्ति मुआवजा योजना के तहत 5 आश्रितों को 18 लाख रुपए का चेक दिया गया। झीकपानी प्रखंड के असुरा उच्च विद्यालय परिसर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा और उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन के अलावा जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र में किसानों के ज्ञान वर्धन के लिए तैयार किए गए पंपलेट का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल के माध्यम से ग्रामीणों ने जानकारी ली। विधायक और डीडीसी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता मिली मछुआ को शॉल उड़ाकर और 14 प्रगतिशील किसानों को कृषि उपकरण भेंट करके सम्मानित किया। जिला आकस्मिक खाद्यान्न कोष से 7 अनाथ बच्चों को 10 किलो अनाज और 10 वृद्ध महिला और पुरुष के बीच कंबल का वितरण किया गया। 24 लोगों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का स्वीकृति पत्र दिया गया। कार्यक्रम में आए एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल दिया गया। 3 लोगों को अम्बेडकर आवास योजना का स्वीकृति पत्र दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।